अयोध्या में आज यानी 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के सितारों समेत भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ी अयोध्या पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच खबर ये आई है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी आज 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ठंड और खराब मौसम होने की वजह से अयोध्या दौरा रद्द किया है। बता दें कि आडवाणी 96 साल के हैं, ऐसे में उनकी सेहत को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि आरएसएस के पदाधिकारी कृष्ण गोपाल, रामलला और आलोक कुमार ने लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचकर उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता दिया था। इस दौरान आडवाणी ने कहा था कि यह बड़ा सौभाग्य का योग है कि ऐसे भव्य प्रसंग पर प्रत्यक्ष उपस्थिति का अवसर मिला है, क्योंकि श्री राम का मंदिर यह केवल एक पूजा की दृष्टि से अपने आराध्य का मंदिर केवल ऐसा प्रसंग नहीं है। इस देश की पवित्रता और इस देश की मर्यादा की स्थापना पक्की होने का यह प्रसंग है। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया था कि लाल कृष्ण आडवाणी को 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता दिया था। आयोजकों का कहना था आडवाणी को अयोध्या में समारोह के दौरान सभी जरूरी मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन फिलहाल तो आडवाणी ने अयोध्या में जाने से इनकार कर दिया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।